भी पूरा नहीं किया। हमारी विशेषता है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कांग्रेस का तरीका है लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित करने का, धोखा देने का, जैसे कि कर्ज माफी, जबकि हमारी कार्य संस्कृति है संकल्प से सिद्धि की, जैसे कि पीएम किसान सम्मान योजना। आपको याद होगा हमने योजना घोषणा की और सिर्फ एक महीने के भीतर ये योजना लागू भी हो गई, शुरू हो गई, किसानों के खाते में पैसे जमा होना शुरू हो गया। साथियों, उनका ढकोसला पत्र सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है, हमारा संकल्प पत्र वोटर के लिए है। उनका ढकोसला पत्र अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए है, हमारा संकल्प पत्र देश के विकास की सिद्धि के लिए है। उनका ढकोसला पत्र नामदार की चौथी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए है, हमारा संकल्प पत्र देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए है। उनका ढकोसला पत्र सिर्फ उसकी आयु 23 मई तक है, हमारा संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों के लिए है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान कुछ लोग इसी में देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वे एक महान प्रशासक, जमीनी जरूरतों को देखते हुए काम करने वाले एक महान नीति निर्माता भी थे। अपने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती पर पानी के लिए जो काम किया, पानी का जो प्रबंधन किया था, उससे महाराष्ट्र और देश को काफी कुछ सीखने को मिला। इतने सालों पहले किया था, शासन प्रशासन में ऐसी ही सोच आने वाले भविष्य को सुरक्षित करती है। साथियों, दुनिया में चर्चा है कि आने वाले समय में अगर युद्ध होंगे तो पानी के लिए युद्ध होने वाले हैं। इस गंभीर स्थिति में क्या हिंदुस्तान सोता रहेगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? एक दीर्घदृष्टा पार्टी, एक दीर्घदृष्टा सरकार का काम यही है कि वो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अभी फैसले ले। पानी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अगली सरकार में जल शक्ति के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने जा रहे हैं, ये हमने घोषणा की। इसके तहत देश भर में नदियों को जोड़ने का काम होगा, तालाब, झीलों, सिंचाई व्यवस्था, जल संचय, जल संरक्षण, हर घर तक पानी पहुंचाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, इस मिशन मोड पर हम काम करने वाले हैं। लातूर के लिए पानी की ट्रेन पहुंची, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। जल युक्त शिवार का लाभ भी देखा है। अब मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत कम हो, इसके लिए हम अपने प्रयास और बढ़ाएंगे। साथियों, देश में रोजगार और स्वरोजगार के लिए मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से एक व्यापक काम हमने किया है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन चले, इसका संकल्प हमने लिया है। बहुत जल्द मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भी
श्रद्धालु से ट्रेन से पहुंच पाएंगे। साथियों, लातूर